यहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम नंबर 16 के ऊपर डिस्कस करेंगे. एक वेक्टर स्पेस V गिवन है विच इज स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन फ्रॉम 0, 1 टू R. ओके, एंड यहाँ पे जो F है, F इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस और इक्वल्स टू N. करेक्ट. एंड लेट A बी द N प्लस 1 क्रॉस N प्लस 1 मैट्रिक्स गिवन बाय दिस ए आई जे इज इक्वल्स टू दिस फॉर्मूला इज गिवन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू. तो दो ऑप्शन, जो फर्स्ट दो ऑप्शन है ये डायमेंशन के ऊपर पूछ रहा है, वेक्टर स्पेस का जो डायमेंशन होगा उसके बारे में पूछ रहा है. थर्ड ऑप्शन में है वेदर ए इज नॉन नेगेटिव डेफिनेट और नॉट. फोर्थ में है डिटर्मिनेंट के बारे में. ओके, तो वन बाई वन देखते हैं. यहाँ पे जो वेक्टर स्पेस वी होगा इसका एक्सप्लिसिट फॉर्म पहले समझ लेते हैं. वो बेसिकली है क्या क्या पूछ रहा है. सपोज अगर आप n इज इक्वल्स टू 1 का बात कर रहे हो, n इज इक्वल्स टू 1 के लिए यहाँ पे जो वेक्टर स्पेस है उसका बेसिस क्या होगा. देखो ध्यान से देखो, 1, x सिंपली, क्योंकि स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस है बेसिकली. तो उसके बाद n इज इक्वल्स टू 2 के लिए अगर आप बात करते हो तो v जो इसका बेसिस होगा वो कुछ इस तरह होगा 1xx2. मतलब n इज इक्वल्स टू 2 के लिए ये जो स्पेस आएगा इसका एलिमेंट्स जो भी एलिमेंट होगा दैट विल बी जेनरेटेड बाई दिस 1x x2. ओके, n इज इक्वल्स टू 3 के लिए जो है वेक्टर स्पेस v का जो बेसिस होगा, एंड यहाँ पे मैं बेसिस लिख रहा हूँ 1x x2 x3. करेक्ट. तो देखो यहाँ पे अगर n इज इक्वल्स टू 3 के लिए बात करते हो तो जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन मीन्स बेसिस में कितने सारे एलिमेंट्स आ रहा है. तो देखो यहाँ पे बेसिस में 4 एलिमेंट आ रहा है ना, तो दैट इज़ 4 विच इज़ ग्रेटर देन 3. अगर n इज इक्वल्स टू 2 के लिए बात करते हो तो इन दैट केस डायमेंशन जो आएगा, डायमेंशन ऑफ v विल बी 3 विच इज़ ग्रेटर देन 2. 1 के लिए भी सेम सिनारियो है, दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ v विल बी 2 विच इज़ ग्रेटर देन 1. करेक्ट. तो इसी तरह अगर आप इंट्यूटिवली इस n के लिए बात करते हो, दैट इज़ ये जो वेक्टर स्पेस है इसके लिए अगर बात करते हो, दैट इज़ 1x x2 एंड सो ऑन, इसी तरह x^n तक रन करेगा. ओके, एंड इसका जो डायमेंशन होगा दैट मीन्स ये आपका बेसिस हो गया. ओके, एंड इसका डायमेंशन क्या होगा, ऑब्वियसली n प्लस 1 विच इज़ ग्रेटर देन n. करेक्ट. तो इसी तरह एक इंट्यूटिव एक आइडिया था, इसकी मदद से आप कह सकते हो आपका जो सेकेंड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत है. फाइन, ये इस टाइप का अप्रोच आपके दिमाग में होना चाहिए. हाँ, क्योंकि अगर आप मैन्युअली इस टाइप की जो भी क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने लग गए एग्जाम हॉल में, देन इट विल टेक टू मच ऑफ टाइम इसीलिए. ओके, तो अभी देखो ये तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया, अभी थर्ड ऑप्शन के लिए हम लोग चलते हैं. थर्ड ऑप्शन के लिए देखो यहाँ पे जैसे कि आपका ए के बारे में पूछ रहा है कि वेदर ए इज़ नॉन नेगेटिव डेफिनिट और नॉट. ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली आपको ए जो मैट्रिक्स होगा ए मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट करना है, ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, देन यू नीड टू डिसाइड वेदर ए इज़ नॉन नेगेटिव डेफिनिट और नॉट. तो मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे, बट उससे पहले एक पर्टिकुलर केस ले लेते हैं एन इज इक्वल्स टू 2 के लिए, क्योंकि n इज इक्वल्स टू 2 के लिए हम लोग देखेंगे a का फॉर्म क्या होता है. a देखो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, 3x3 का एक मैट्रिक्स हो जाएगा, दैट मीन्स एलिमेंट्स जो आएगा दैट विल बी a00, उसके बाद a01, यहाँ पे a02. ओके, a10, a11, a12, थर्ड रो में a20, a21, a22. ओके, तो अभी इंडिविजुअली हम लोग a00, a01 ये सब फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ गिवन फार्मूला. ओके, इस फार्मूला जो गिवन है इसकी मदद से. तो देखो क्या करेंगे, जैसे कि n इज इक्वल्स टू 2 हम लोगों ने पिक किया तो ये हो गया है ना. तो यहाँ पे क्लियरली आपके पास जो f0 आएगा, f0 विल बी 1, f1 विल बी x एंड f2 विल बी x2. ओके, तो देखो ए 0, 0 अगर करते हैं 0, 1 f0x विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, तो सिंपली 1 मिलेगा. ओके, ए 0, 1 करते हैं तो 0, 1 f0x f1x
डी एक्स, यहाँ से आपको 01 एफ ज़ीरो मतलब 1 है एंड एफ 1 एक्स मतलब एक्स है, तो 1 इंटू एक्स, तो यहाँ से हाफ मिल गया विच विल बी इक्वल टू ए 10, जस्ट आपको वेरीफाई करना है। इसी तरह अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ए आई थिंक 01 तो हो गया, 02 दैट विल बी 1/3 विच विल बी इक्वल टू ए 20। उसके बाद आगे जाके आपको A10 मिल गया, A11 फाइंड आउट करना है, A11 विल बी 1/3। उसके बाद A12 इसको आप फाइंड आउट करोगे तो 1/4 मिलेगा विच विल बी इक्वल्स टू A21। A22 देन आपको फाइंड आउट करना है, इसी तरह आप A22 फाइंड आउट करोगे, A22 फाइंड आउट करोगे तो आपको मिलेगा आई थिंक 1/5। ओके 20 हो गया, ओके 21 हो गया, 22 हो गया, फाइन। तो अभी देखो हर एक कंपोनेंट मिल गया है ये जो मैट्रिक्स ए है इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो फाइनली अभी हम लोग ये जो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, देन वी विल डिसाइड वेदर इट इज़ नॉन नेगेटिव डेफिनिट और नॉट। तो ये जो ए मैट्रिक्स होगा जिस तरह A001 मिला है, A01 मतलब हाफ मिला है, A02 1/3 मिला है, ओके A10 हाफ एंड A11 1/3, A12 1/4, उसके बाद 1/3 1/4 एंड 1/5। तो ये मैट्रिक्स आपका कंस्ट्रक्ट हो गया विच इज़ 3/3। अभी देखो आपको सिंपली यहाँ पे A11 फाइंड आउट करना है विच इज़ द प्रिंसिपल माइनर, ओके प्रिंसिपल माइनर मीन्स डायगोनल लीडिंग जो माइनर्स होता है वो आपको फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स A00 ये फाइंड आउट करो, देन A22 ये फाइंड आउट करो, दैट इज A00 A01 A10 A11 उसके बाद A33 दैट मीन्स द डिटर्मिनेंट ऑफ होल A। तो ये फाइंड आउट करोगे तो ये 1 ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0, ये फाइंड आउट करोगे दैट मीन्स इस पोर्शन को लेके जो डिटर्मिनेंट होगा ये फाइंड आउट करोगे तो 1/3 - 1/4 विच इज़ आई थिंक ग्रेटर देन 0, विच इज़ ग्रेटर देन 0 कैलकुलेट करो, एंड थर्ड में डिटर्मिनेंट भी आपको कैलकुलेट करना है ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो तीनों ही ग्रेटर देन 0 हो रहा है, मतलब ये जो आपका मैट्रिक्स ए है, दिस मैट्रिक्स ए विल बी नॉन नेगेटिव डेफिनिट, क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, ओके थर्ड ऑप्शन जो करेक्ट हो गया, एंड बाय डिफॉल्ट आपका जो कैलकुलेशन है वहाँ से ही आपको मिल गया डिटरमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। तो थर्ड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट हो जाएगा, दस बी सी एंड डी दीज आर योर करेक्ट आंसर ओके फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखो यही था इस वीडियो में, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो इसको शेयर करो, लाइक करो, एंड चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। ओके बाय।